हम वॉलंटियर की हैसियत से यहाँ हाजिर हुए ताकि गरीब आवाम को, गरीब लोगों को जो इस वक्त पीचीदा हालत में कई वजूहात की बुनियादों पर है, उनके मसाइल तरीके से इस बाइज्जत हल किए जाए। ये आपको याद होगा, सियासत को छोड़कर जो कि कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस जो है, इट इज अ ट्रेड बॉडी फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर, फॉर द पीपल ऑफ यूनिवर्स, कि हमें किसी सियासत, कोई भी सियासत हो, उसके साथ हमें कोई वास्ता नहीं है। हमारे शिकारे वाले साहब जो वॉलंटियर्स हैं, हाउस बोट वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं, मटन डीलर्स हैं, इनमें ऐसे यंग मैन वॉलंटियर्स हुआ जो कोशिश करते हैं कि जो सफर हो रहे हैं यहाँ, इनको किसी न किसी तरीके से फायदा मिले। इकोनॉमिक अलायंस विल फाइट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल टिल लास्ट ब्रेथ ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आपको पता है मौजूदा हालात के बारे में, हमारी एक्सचेंजी पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है जम्मू कश्मीर स्टेट की। लिहाजा सरकार भी शायद अपनी तरह से कोशिश करती है। आजकल में बयानों में आया है कोई रिलीफ दे रहे हैं, किसी को 1000 रुपया, किसी को 500। चूँकि 1500 से यहाँ मसला हल नहीं होगा, यहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं, एक के घर में कम से कम 5-10 हज़ार रुपये का अगर रिलीफ महीने को आ जाएगा, हम ये तसव्वुर करेंगे कि शायद इसके साथ कोई हमदर्दी हुई है। और यहाँ पर जितनी भी हमारी तंजीमें इस वक्त बैठी है, हम ये चाहते हैं कि हमारे मसाइल के ऊपर सरकार संजीदगी से नोटिस ले। इस मकसद, मीटिंग का मकसद था, इस मीटिंग को हम बुलाएंगे। बहुत से लोग मीटिंग करने के लिए आते हैं, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, न किसी को तनकीद करते, मगर वो उस टाइम बाहर आते हैं वो लोग जिस टाइम उनको पैकेज की ज़रूरत होती है। पूरे 11 महीने वो ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो लोग। असली कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस का अगर वजूद है कश्मीर में, वो ये कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस है जिसका हेड है मोहम्मद यूसुफ चापरी साहब, जो चेयरमैन है कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस का। ये आपके वसादत से हर एक तक हम ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, असली कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस कौन है कश्मीर में। आप देखें कितने लोग 11 महीने 12 महीने के बाद बाहर आते हैं अपने घरों से, अपने दुकानों से। उनका यही मकसद होता है, क्योंकि आने वाले टाइम में किसी पैकेज का ऐलान हो जाएगा सरकार की तरफ से, हम उस पैकेज को दो दो हाथों से लूटेंगे। मेरे ख्याल से कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस जितनी भी अकाया थी यहाँ पर, आज उन लोगों ने तहिया किया इस मीटिंग में, कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के मीटिंग में, आगे हमें लूट खसूट होने वाले नहीं देंगे, क्योंकि आगे ये गरीब गुरबात जो छोटे दुकानदार हैं हमारे, उनको ये पैकेज मिलना चाहिए। जो हमारे छोटे ट्रांसपोर्टर हैं, उनको ये पैकेज मिलना चाहिए। जो हमारा शिकारा वाला है, हाउस बोट वाला है, घोड़े वाला है, उसको ये पैकेज मिलना चाहिए। जो हमारा मजदूर है, जो दिन को कमाता है शाम को खाता है, उसको ये पैकेज मिलना चाहिए। लिहाजा करके आपके वसादत से मैं तमाम ट्रेड कम्यूनिटी को अपील करता हूँ, यहाँ पर इस कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के मीटिंग में, मेरे ख्याल से जो नकली लीडर बाहर आते हैं 12 महीने के बाद, मेरे ख्याल से उनके झांसे में नहीं आना चाहिए। ट्रेड कम्युनिटी को उसका खास ख्याल रखना चाहिए, ट्रेड कम्युनिटी को, जितनी भी ट्रेड कम्युनिटी है कश्मीर में। उसके बाद भी फिर मैं एक बार शुक्रिया करता हूं जिन लोगों ने यहां पर तशरीफ लाया है। मैं अपनी तरफ से, कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस की तरफ से, अपने चेयरमैन की तरफ से, मोहम्मद सिद्दीक रंगा साहब की तरफ से, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ फिर एक बार, और अपनी तरफ से भी मैं उनका शुक्रिया अदा।